एसिडिटी होना कितना कॉमन है, पेट में दर्द हो जाता है, पेट फूल जाता है, ऊपर ऊपर पानी आता है, गले में पानी आता है, खट्टा पानी आता है, खट्टी ढकार आना, पेट फूल जाना, जलन लगना, जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना, मतलब कितना कॉमन है लोगों को। बहुत ज़्यादा लोगों को कॉमन है। और ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, पाचन शक्ति जो है, पाचन शक्ति उसमें गड़बड़ होने के बाद में ऐसा होता है। अभी देखिए कि हमारा स्टमक जो है, हमारा पेट जो है ना, उसमें कंटिन्यूअस एसिड प्रोडक्शन होता रहता है, और एसिड प्रोडक्शन पाचन के लिए बहुत उपयुक्त है। मतलब हम जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। मगर वही एसिड बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मात्रा में एसिड सिक्रेशन हो गया, तो बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है पेट में, और अंगार जैसा लगता है कि भाई क्या करूँ, क्या खाऊँ, क्या नहीं खाऊँ, ऐसा लगता है। तो इसका मतलब कारण क्या, पहले हम जान लेंगे कि इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। लोग बोलते नहीं नहीं आपको पित्त दोष है ना, पित्त दोष मतलब आपकी प्रकृति पित्त वाली, आयुर्वेदा में पित्त दोष बोला गया है, तो वो भी हो सकता है। मगर पित्त होने के जो कारण है, अभी दोष जो है हमारे बॉडी में उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर अभी हम कारण देखेंगे। तो इसमें है नंबर एक जो है मसालेदार और तेलयुक्त पदार्थ खाना, और बहुत बहुत हम कॉमन है, होटलिंग होता है, हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो बहुत चटक पटक खाते हैं, रास्ते पे कड़क तीखी भेल पानी पूरी, मतलब जो पदार्थ हम खाते रहते हैं उसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर दो, तीखा ज़्यादा खाना, हरी मिर्च का ठेचा रहता है या लाल मिर्च का ठेचा है, या बहुत ज़्यादा तीखा मतलब डालना, मिर्च बहुत ज़्यादा डालना और बहुत ज़्यादा तीखा खाना, नंबर दो का कारण। नंबर तीन, दिमाग के ऊपर स्ट्रेस तनाव, दिमाग और पेट इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस उतनी ज़्यादा एसिडिटी। और उसके लिए मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई हमको IBS है, इरिटेबल बॉवेल है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, टेंशन आ गया कि इधर चालू, तो बहुत जलन चालू हो जाती है। नंबर तीन है तनाव। नंबर चार, जो जो लोग तंबाकू खाते हैं और शराब पीते हैं उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो वो हमने डालना चाहिए। नंबर पाँच, यदि आप फ्राइड चीज़ जब खाते हैं ज़्यादा, तो तला हुआ चीज़, तले हुए भोजन जब खाते हैं तो उसमें भी होता है। नंबर छः, बहुत ज़्यादा भागदौड़ करना, थक जाना, और उसमें फिर पाचन बराबर होता नहीं है। फिर कभी कभी क्या होता है कि खाना टाइम पे नहीं खाते और एकदम टाइम मिला तो खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, फिर उसमें बहुत ज़्यादा एक साथ ही खाना खा लिया तो पेट फूलना और एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि उसको पचाने के लिए बहुत एसिड लगता है, फिर ज़्यादा खाना एक साथ खाया तो वो होता है कि भागदौड़ करना। फिर नंबर सात है उष्णता, जो है उष्ण मतलब गर्म वातावरण में रहना, तो उसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर आठ, जब हम लेट नाइट खाना खाते हैं तो बहुत देरी से खाना खाना, तो उसका पचन ही होता नहीं, फिर बाद में तुरंत सो जाते हैं, तो सवेरे फिर बहुत एसिडिटी और जलन चालू हो जाती है। नंबर नौ, सबसे ज़्यादा और बहुत महत्वपूर्ण, वो है गुस्सा। मैं यदि आपको पूछूं, लाइव सेमिनार में पूछते रहते कि भाई गुस्सा कितने लोगों को आता है, तो सब लोगों के हाथ ऊपर हो जाते हैं, सब लोग गुस्सा करते हैं। मगर जिनकी गुस्सा करने की प्रवृत्ति है, उन्होंने एंगर मैनेजमेंट के हमारे क्लासेस करना चाहिए। गुस्सा जो है वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा पैदा करता है। तो अभी ये तो हमने देखा कि भाई गुस्सा या एसिडिटी क्यों आती है, पित्त बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल है, एसिड जरूरी है तो ठीक है, मगर जब बहुत ज़्यादा है तो बहुत तकलीफ होती है। तभी उसके लिए बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है तो क्या करना चाहिए। पहले आज से 40 साल पहले ऐसा होता था कि जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, पाचन में बहुत तकलीफ हो रही है, तो सीधा बोलते कि पेप्टिक अल्सर है, पेट में अल्सर हो गया, अब तुम एंटासिड ले लो और नहीं तो फिर ऑपरेशन कर डालो, और ऑपरेशन करके वो अल्सर को ठीक करो। आज ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान आसान तरीके हैं, मैं आपको घरेलू उपचार बताता हूँ और दवाई भी बताता हूँ। नंबर एक, यदि आप एक चम्मच सौंफ, सौंफ आते हैं ना, हम देखो कोई भी होटल जाते हैं ना तो खाने के बाद सौंफ देते हैं, सौंफ क्यों देते हैं, एसिडिटी कम करने के लिए। तो एक चम्मच सौंफ यदि आप गर्म पानी में डाल के लेते हैं तो उसमें एसिडिटी नहीं होती है, प्रिवेंटिव मेजर है। नंबर दो, नींबू पानी, लेमन जूस, सिंपल, शुगर नहीं, सिर्फ नींबू पानी लेना तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। नंबर तीन, आंवला जो है ना, आंवला उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहता है, और आंवला बहुत ठंडा करता है बॉडी को और अंदर डाइजेस्ट सिस्टम को। तो आंवला आप आंवला का चूर्ण खा सकते हैं, आंवला का मुरब्बा आता है तो वो खाते हैं, तो उसमें बहुत फायदा होता है। नंबर चार, सेंधा नमक, सेंधा नमक जो आता है हिमालयन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, उसके बारे में अलग वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो सेंधा नमक खाते हैं, एक छोटा जो चाय का चम्मच रहता है उससे भी आधा, और तो उसमें फायदा होता है। नंबर पाँच, यदि सवेरे आप भूखे पेट यदि गाय का घी खाते हैं 2 चम्मच, तो गाय का घी 2 चम्मच खाते हैं, उसमें एसिडिटी बहुत कम हो जाती है तुरंत। नंबर छः जो है ना, वो बादाम है, यदि पानी में भिगा के आप बादाम रखते हैं रात को, 5-6 बादाम पानी में भिगा के रखना, सवेरे खा लेना,
तो उसमें बहुत फायदा होता है सुबह सुबह आप खाते हैं तो। नंबर 7 ये जो हम राइस खाते हैं ना सफेद राइस, उसमें ब्राउन राइस मिलता है, और नंबर 7 ये जो ब्राउन राइस है मैं बता रहा हूँ, 7वां उपचार, ये ब्राउन राइस से भी हमको एसिडिटी बहुत कम होती है। नंबर 8 सस्ता और मस्त खीरा, यदि खीरा खाते हैं आप तो खीरे के टुकड़े, खीरा नमक के साथ में खा सकते हैं, खीरे के साथ में मसाला, और वो खीरा आप खा सकते हैं तो टेस्टी भी लगता है और उससे एसिडिटी बहुत कम हो जाती है। नंबर 9 खाने का सोडा, कॉस्टिक सोडा, इनो के रूप में रेडीमेड पैक आते हैं, इनो के एक 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 यदि पैक वो जो सेचे आता है वो ले लिया, पानी में डाल लिया, पी लिया तो ढकार भी आ जाती है और एकदम बहुत ही अच्छा रिलीफ मिल जाता है, और इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। और नहीं तो फिर आप खाने का सोडा जो मिलता है वो ला लो, उसके छोटे छोटे पाउचेस मिलते हैं, 1 चम्मच पानी में, ठंडे पानी में डाल दिया तो उसमें बहुत फायदा होता है। नंबर 10 ठंडा पानी, कोल्ड वाटर यदि आप लेते हैं तो, एकदम ठंडा पानी लेते हैं आप तो उससे भी एसिडिटी कम होती है। नंबर 11 ठंडा मिल्क, दूध, ठंडा दूध लेते हैं आप तो उससे भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी में फायदा होता है। नंबर 12 तरबूज, वाटरमेलन, तो उसका जूस आप लेते हैं ना तो उससे भी बहुत एसिडिटी में फायदा होता है, वो आपने रेगुलर लेना चाहिए। नंबर 13 खोबरे का पानी, कोकोनट जूस या कोकोनट वाटर आप लेते हैं ना, खोबरे का पानी कोकोनट, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा एसिडिटी में होता है। नंबर 14 नींबू और अदरक मिला के आप लेते हैं और उसका जूस लेते हैं तैयार, तो उससे भी तुरंत एसिडिटी में फायदा हो जाता है। नंबर 15 अल्कलाइन वाटर, यदि आप पानी ही अल्कलाइन पीते हैं तो उससे बहुत कम होती है एसिडिटी और बहुत फायदेमंद होते रहता है अल्कलाइन वाटर। और अल्कलाइन वाटर की कुछ मशीनें भी आजकल आती है, उसका मार्केटिंग भी काफ़ी लोग करते रहते हैं, और अल्कलाइन वाटर यदि आप लेते हैं रेगुलरली तो उससे भी एसिडिटी कम हो जाती है। नंबर 16 बनाना, केला, केला अल्कलाइन है ऐसा देखा जाए तो, और केला खाते हैं तो उससे भी बहुत एसिडिटी कम हो जाती है। ये उपचार यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। जरूर आप ये खा के इसका घरेलू उपचार करके देखो। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ कि जिनको स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी होती है तनाव के, तो हम क्या करते हैं कि तनाव रिलीविंग मेडिसिन देते हैं कि भाई तनाव कम करो, और बहुत लोगों को तनाव कम करने की यदि दवाई दे दिया मैंने तो उससे फायदा होता है। कुछ लोगों को हम रिलैक्सेशन एक्सरसाइज सिखाते हैं, हिप्नोथेरेपी हम सिखाते हैं, कुछ लोगों को सेरोटोनिन बढ़ाने की दवा देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सेरोटोनिन कम होने से ये एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सेरोटोनिन बढ़ना चाहिए करके हम दवा देते हैं। और यदि आप स्ट्रेस कम करते हैं, तनाव कम करते हैं, मेरे काफ़ी सारे वीडियोज हैं तनाव कम करने के लिए, हम स्पेशल एक सीरीज चलाते हैं स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, तो वो आप स्ट्रेस अपने दिमाग का कम करते हैं तो एसिडिटी में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे ज़्यादा महत्व का ये भी कि अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो, रेगुलर खाना, रेगुलर सोना, और कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना, ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एसिडिटी, ये जो पित्त है ये पित्त ठीक हो जाएगा, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, और आप एकदम तंदुरुस्त, मस्त, ज़बरदस्त रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।